Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 17, Rahul and the Genie. So now let's get started this chapter. So one afternoon, Rahul was returning home from school. As he entered the drive, he stopped short. In the garage lay a pile of junk ready for the कबाड़ीवाला पार्ट ऑफ मम्मीज दिवाली स्प्रिंग क्लीनिंग ड्राइव। अब बच्चों एक मतलब दोपहर की बात है, राहुल अपने स्कूल से कहाँ आ रहा था, घर आ रहा था। जैसे ही बच्चों वो ड्राइव में एंटर करता है तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और वो देखता है कि गैरेज में पाइल ऑफ जंक रखे हुए हैं। क्यों? बच्चों को कबाड़ी वाले के लिए रखा हुआ है। सो बच्चों मम्मी घर की दिवाली की सफाई कर रही थी, इसलिए उन्होंने वो सारी मतलब चीजें वहां रखी हुई थी। फ्रॉम एक्सपीरियंस राहुल न्यू दैट मम्मी ऑफन डिस्कार्डेड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो बच्चों एक्सपीरियंस से जो राहुल था उसे पता था कि मम्मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरेस्टिंग चीजों को भी फेंक देती हैं। क्विकली ही एंटर द गैराज, नेल डाउन एंड बिगेन एग्जामिनिंग द जंक। अब बच्चों वो जल्दी से गैरेज में घुसता है, घुटने के बल बैठता है और जंक को एग्जामिन करने लगता है। ओल्ड नोटबुक्स, मैगजीन्स, पेन्स, बॉटल्स, ब्रोकन टॉयज, नथिंग हेयर। ही एक्सक्लेम्ड, हे वेट अ मिनट, व्हाट इज दिस? इट वॉज द स्मॉल ब्रास लैम्प, वेरी ओल्ड, फेडेड एंड डस्टी। राहुल पिक्ड इट अप, क्यूट, ही एक्सक्लेम्ड, इट लुक रेदर लाइक द पिक्चर ऑफ अलादीन्स लैम्प इन माई स्टोरी बुक, आई वंडर इफ इट इज मैजिकल। अब बच्चों जब राहुल झुककर चीजें कुछ मतलब खोजने लगता है कि कौन सी कोई काम की तो चीज नहीं है, फिर देखता है नोटबुक, मैगजीन्स एंड ऑल, ये सब प्रेजेंट है, तो उसे लगता है कि सब ठीक है, जंक ही है। फिर एकदम से उसकी नजर एक मेटेलिक मतलब एक चीज पे जाती है जो कि बच्चों किसकी तरह लग रहा होता है, लैम्प की तरह लग रहा होता है। तो वो सोचता है ये लैम्प तो बिल्कुल उसी की तरह लग रही है जो मैंने स्टोरी बुक में अलादीन के लैम्प के बारे में पढ़ा था। उसने स्टोरी बुक में जो अलादीन के लैम्प के बारे में पढ़ा था वो लैम्प बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। फिर उसने सोचा कि क्या ये रियल में मैजिकल होगा। एक्साइटेड ही रैन टू हिज रूम विद द लैम्प। इट वाजंट सेफ टू लिंगर ऑन हियर, द हेवंस वुड फॉल इफ मम्मी कम आउट एंड कॉट हिम होल्डिंग अ फिल्थी ओल्ड लैम्प। अब बच्चों वो एक्साइटेड होकर अपने रूम की तरफ भागता है उस लैम्प के साथ। वो सोचता है यहाँ ज्यादा देर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर मम्मी आ गई तो मेरी मम्मी मुझे छोड़ेंगी नहीं अगर उन्होंने मेरे हाथों में ये फिल्थी ओल्ड लैम्प देखा। ही वॉज जस्ट इन टाइम टू फॉर द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही हर्ड हर कॉलिंग हिम। बच्चों बिल्कुल जस्ट इन टाइम में वो अपने रूम में पहुंचा क्योंकि नेक्स्ट ही मोमेंट उसकी मम्मी की उसे बुलाने की आवाज आई। क्विकली राहुल शोव्ड द लैम्प इनटू हिज कबर्ड एंड हिड इट अंडर हिज क्लॉथ बिफोर लीविंग द रूम। बच्चों जब उसकी मम्मी ने उसे आवाज दी तो जल्दी से राहुल ने क्या करा, लैम्प को शोव्ड कर दिया किसमें, अपने कबर्ड में, और उसे पाइल्स ऑफ क्लॉथ में छुपा दिया और अपना रूम छोड़कर वो बाहर आ गया। बैक आफ्टर हिज लंच राहुल पुल्ड आउट द लैम्प एंड स्टेयर्ड एट इट। वुड इट कंटेन अ जीनी हु वुड डू हिज बिडिंग। अब बच्चों वो लंच करने के बाद अपने रूम में आता है, लैम्प को बाहर निकालता है और उसको घूरने लगता है। फिर सोचता है कि इसमें जीनी होगा। विद ग्रोइंग एक्साइटमेंट राहुल स्लीव्स यूजुअली सर्व द एडिशनल पर्पस ऑफ अ हैंडकरचीफ मच टू हिज मदर्स चैग्रिन। लो एंड बिहोल्ड अ ल्यूमिनस पजामास क्लैड फिगर स्लोली इमर्ज्ड मच टू राहुल्स डिलाइट। अब बच्चों देखिए राहुल सोचता है क्या ये काम करेगा, तो राहुल क्या करता है अपने स्लीव से उसको पॉलिश करने लगता है और उसमें से बच्चों तभी एक ल्यूमिनस पजामा क्लैड फिगर बाहर आता है जो कि बाहर इमर्ज होता है। सलाम मास्टर, आई एम अब्दुल्ला द जीनी ऑफ द लैम्प, एट योर सर्विस, स्पोक द अपैरिशन इन अ बूमिंग वॉइस, कमांड एंड आई शैल ओबे। अब बच्चे तभी जो उसमें से पर्सन बाहर निकलता है वो कहता है कि मुझे कमांड दीजिए, मैं आपकी सर्विस में हूँ। तो बच्चों वो मतलब बोलता है किससे, वो राहुल से ऐसा बोलता है, कमांड, आप कमांड दीजिए और मैं उसे जरूर फॉलो करूंगा। वाओ, कैन यू रियली डू थिंग, आस्क्ड राहुल वंडरस्ट्रक। अब बच्चों राहुल बिल्कुल मतलब वंडर होते हुए कहता है, सरप्राइज होते हुए, सच में क्या तुम करोगे जो मैं कहूंगा, तुम वो कर सकते हो? वेल यस, आई सपोज, सेड अब्दुल्ला रेडर डाउटफुली। जो अब्दुल्ला होता है बच्चों वो बिना डाउट के कहता है कि शायद मैं कर सकता हूँ। राहुल कैम अ कॉल फ्रॉम आउटसाइड, इट वॉज हिज फ्रेंड नीरज। तो बच्चों तभी बाहर से एक आवाज आती है जिसका फ्रेंड होता है नीरज, वो राहुल को बुलाता है। राहुल सडनली रिमेम्बर द क्रिकेट मैच द गैंग हैड प्लान फॉर द इवनिंग, बट हिज मैथ टीचर हैड गिवन अ लॉट ऑफ होमवर्क दैट डे। इफ ही सेट डाउन टू डू द वर्क इट वुड टेक हिम मोर देन 2 आवर्स फॉर श्योर। देन राहुल ब्राइटन अप एट हिज आईज फेल ऑन अब्दुल्ला, हिज प्रॉब्लम वॉज सॉल्व। तो बच्चों जो नीरज उसे बुलाता है तो राहुल को याद आता है कि उसके फ्रेंड्स ने प्लान करा था शाम को क्रिकेट के लिए, और अगर उससे मैथ का होमवर्क भी मिला हुआ है।
तब बच्चों राहुल को याद आता है कि उसने अपने दोस्तों को बोला था कि वो शाम को क्रिकेट खेलने जाएंगे, राइट। तो बच्चों राहुल को ये भी याद आता है कि उसके टीचर ने मैथ का होमवर्क दिया, अगर वो उस मैथ का होमवर्क को करने बैठेगा तो उसे मोर देन 2 आवर्स लग जाएंगे। बट तभी बच्चों राहुल के माइंड में एक चीज क्लिक होती है और उसकी आंखें ब्राइटन अप हो जाती है जब वो अब्दुल्ला को देखता है और उसे लगता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आई हैव सम होमवर्क, देयर आर सम 20 सम्स टू डू, हियर टेक माई टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक, डू इट फॉर मी, ही ऑर्डर्ड, ग्लीफुली हैंडेड अब्दुल्ला द बुक्स। अब बच्चों यहाँ पे राहुल कहता है कि मेरे को 20 सम्स मिले हुए हैं मैथ के करने के लिए, ये तुम टेक्स्ट बुक लो, ये नोटबुक लो और मेरे लिए कर दो। तो बच्चों अब्दुल्ला उसकी बुक्स को लेता है। येस मास्टर आइल, बट सैड अब्दुल्ला, बट राहुल हैड रेस्ड आउट ऑफ द रूम बिफोर द जीनी कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस। बच्चों जीनी कुछ बोलने ही वाला होता है, उससे पहले ही जो राहुल होता है वो रूम से भाग भाग जाता है। इट वॉज क्वाइट लेट When Rahul came into his room, exhausted after a boisterous game, the books were lying on the table. Abdullah was nowhere to be seen. He must have gone back into the lamp after finishing his task. Rahul had his dinner and happily went to bed. अब बच्चों राहुल जब खेलने के बाद अपने रूम में आता है, वो काफी थका हुआ होता है और काफी देर में आता है। तो बच्चों राहुल देखता है कि टेबल पर उसकी बुक्स रखी हुई हैं। तो राहुल को ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला ने पहले से ही उसका काम कर दिया है, क्योंकि वो अब कहीं तो दिख नहीं रहा होता और वो अपने लैंप में वापस चला गया है अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद। तब बच्चों राहुल अपना डिनर करके वापस अपने रूम में आता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फर्स्ट पीरियड वॉज अर्थमैटिक, कॉन्फिडेंट दैट मिसेज Acharya would be satisfied with his work for once. After all, a genie had done it. He handed over his notebook to her as soon as she asked for it. बच्चों अगली मॉर्निंग जो राहुल होता है उसका फर्स्ट पीरियड अर्थमेटिक का होता है। कॉन्फिडेंटली जब मिसेस आचार्य उसके काम के लिए पूछती है तो वो अपनी कॉपी उसके पास दे देता है, क्योंकि वो इसलिए कॉन्फिडेंट है कि जीनी ने उसका काम कर ही दिया होगा। सो बट राहुल वॉज इन फॉर एन एस्टी शॉक। राहुल वट इज दिस, shrieked Mrs. Acharya furiously. Every single sum is wrong and what a stertorous handwriting. What were you thinking of while doing this? तो बच्चों राहुल जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहता है, लेकिन अचानक से वो शॉक होता है जैसे ही मिसेज आचार्य उस पर चिल्लाती हैं। कहती है राहुल ये क्या है, ये हर सिंगल सम गलत है और कैसी गंदी सी राइटिंग में, स्टोरेज राइटिंग में लिखा हुआ है, तुम क्या सोच रहे थे करते वक्त इसको। She helped the open notebook out to him and Poor Rahul stared in horror at the illegible scrawl with ink blots all over. The writing was crossed out and all overwritten in places and spilled over from the page boundaries to the margin of the facing पेज। अब बच्चों जैसे ही राहुल अपनी नोटबुक खोल के देखता है तो उसमें देखता है कि हर जगह कैसा, मतलब मार्जिन से कहीं बाहर लिखा हुआ है, कहीं जो इंक है वो क्या हुई है, स्पिल्ड हुई पड़ी है, कहीं ओवर रिटन प्लेसेस पे उन्होंने क्रॉस कर रखे हैं। तो बच्चों वो बहुत गंदी तरीके से काम किया होता है। रिमेम्बरिंग दैट हिज मैथ्स टीचर वॉज अ स्टिकर फॉर नीटनेस, राहुल क्रिंज्ड। अब बच्चों राहुल को जैसे ही याद आता है कि उसकी जो मैथ टीचर है वो सफाई का काफी ज्यादा ज्यादा सीरियस है। एज अ पनिशमेंट फॉर योर स्लॉपी वर्क यू विल मिस योर गेम्स पीरियड टुडे राहुल, डिक्लेयर्ड मिसेज आचार्य। ड्यूरिंग दैट टाइम यू विल सिट इन द क्लास एंड वर्क आउट ईच सम नीटली, नॉट वंस बट ट्वाइस, एंड शो मी योर वर्क बिफोर गोइंग होम। तो बच्चों राहुल यहाँ पे क्या करता है, राहुल जैसे ही देखता है तो राहुल को याद आता है टीचर पक्का उसे पनिशमेंट देगी। तो टीचर उसे एज अ पनिशमेंट क्या बोलती है कि तुमने स्लोपी वर्क किया है तो तुम्हें पनिशमेंट ये मिलेगा, तुम अपना गेम पीरियड मिस करोगे और जो हर समय उसे 2 टाइम्स करोगे बिफोर, और स्कूल घर जाने से पहले स्कूल से मुझे तुम अपना काम दिखाते हुए जाओगे। दैट इवनिंग राहुल रिटर्न होम फ्यूमिंग, ही रश्ड स्ट्रेट टू हिज रूम टू समन अब्दुल्ला एंड डिमांड एन एक्सप्लेनेशन। आई डिडंट नो हाउ टू डू दिस दो सम्स मास्टर, सैड अब्दुल्ला, वी हैवंट बीन टॉट दिस काइंड ऑफ अर्थमेटिक in Jeannie's school. I wanted to tell you that but you went away before I could speak, so I just did the sums as best as I could. अब बच्चों यहाँ पर जब राहुल शाम को घर काफी गुस्से में आता है तो वो अब्दुल्ला से पूछता है कि तुमने हर क्वेश्चन को गलत क्यों किया था। तो अब्दुल्ला कहता है कि मुझे नहीं पता था उन सम्स को कैसे करना है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ जीनी स्कूल में पढ़ा ही नहीं है, दिस काइंड ऑफ अर्थमेटिक मैं तुम्हें बताना चाहता था बट मैं तुम्हें उससे पहले बताऊं तुम वहां से जा चुके थे, सो मैंने वैसे ही किया जैसे मैं अच्छा से कर सकता था। राहुल कुड नॉट स्टेयर एट हिम इन स्पीचलेस डिसमे। जस्ट देन ही रिमेंबर्ड समथिंग, दैट मॉर्निंग मम्मी हैड गिवन हिम एन अल्टीमेटम, इफ ही डिडंट क्लीन अप हिज रूम बिफोर इवनिंग, अ टास्क ही हैड बीन पोस्टपोनिंग फॉर मंथ्स, शी वुड स्टॉप हिज पॉकेट मनी फॉर नाइट। अब बच्चों यहाँ पर राहुल को तभी याद आता है, राहुल स्पीचलेस हो जाता है उसकी बात सुनकर। तब राहुल सोचता है कि मम्मी ने उसे घर साफ करने के लिए बोला था और अल्टीमेटम दिया था कि उनका घर कि राहुल का घर आज साफ होना चाहिए, और वो 1 महीने से उसे पहले से ही क्या कर रहा था, पोस्टपोन कर रहा था। तो बच्चों
उसे याद आया राहुल को कि अगर उसने सफाई आज नहीं करी तो उसकी मम्मी उसका आज ही से पॉकेट मनी देना बंद कर देगी। ही नाउ डिसाइडेड टू गिव अब्दुल्ला अनदर चांस। ओके, क्लीन अप माय रूम ही ऑर्डर्ड, कीप एवरीथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस, मम्मी विल गिव अराउंड इन एन आवर टाइम्स टू चेक। बच्चों यहाँ पे राहुल अब्दुल्ला कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम मेरा घर साफ करो, मम्मी थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाली होंगी तो सारी चीजों को उनकी जगह पे रखना। वेरी वेल मास्टर, सैद अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला कहता है ठीक है मास्टर मैं करूंगा। राहुल देन वेंट ऑफ टू प्ले, रिटर्निंग एन आवर लेटर ही अशर्ड मम्मी इन टू हिज रूम, कॉन्फिडेंट वंस अगेन दैट इट वुडंट बी इन अ मैस, बट द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज लेफ्ट गेपिंग एट द अटर डिसऑर्डर इन द रूम। इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक, डिमांडेड मम्मी आउटरेज्ड। बुक्स एंड टॉयज ऑन द बेड, पिलोज ऑन द फ्लोर, क्लॉथ्स ऑन द टेबल, व्हाट इज इन योर कबर्ड। अब बच्चे यहाँ पर जब राहुल शाम को खेल कर वापस आता है, जब वो देखता है कि उसकी मम्मी उसके रूम में जा रही है, तो बच्चे कॉन्फिडेंट होकर वो देखता कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसका रूम साफ होगा क्योंकि अब्दुल्ला ने कर दिया होगा। बट इन द नेक्स्ट मोमेंट वो देखता है, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है अपने रूम का वो हाल देखकर। वो देखता है उसकी मम्मी पूछती है इज दिस अ काइंड ऑफ जोक, ये कोई मजाक चल रहा है, तुम्हारा रूम कैसे है ये। बुक्स और टॉयज बेड पर है, पिलोज फ्लोर पर है, कपड़े टेबल पर है और कबर्ड पे क्या है। शी स्ट्रोड अप टू द कबर्ड एंड थ्रू द डोर ओपन, द नेक्स्ट मोमेंट शी जम्प्ड बैग एज अ लार्ज फ्रॉक लीप्ड आउट एट हर। अब वो देखती है कि कबर्ड में फिर क्या रखा है अगर कपड़े टेबल पे रखे हैं। तो जैसे ही वो खोलती है तो बच्चों वो पीछे उछल के देखती है कि एक बड़ा सा फ्रॉग लीप आउट करता है उस पर। राहुल गर्ल्ड, दिस वॉज अ डिजास्टर इंडीड। द फ्रॉग वॉज इज पैट विच ही हैड कैप्ट इन अ केयरफुली हिडन बॉटल, वाई ओ वाई हैड अब्दुल्ला रिलीज इट। अब बच्चों राहुल गल्प करता है, यानी अपने ऐसे गल्प करता है, वो सोचता है कि ये तो डिजास्टर हो गया, ये पूरा ही डिजास्टर है। फ्रॉग तो उसका पैट था जो उसने छुपा के रखा हुआ था काफी टाइम से अपनी बॉटल में, अब अब्दुल्ला ने इसे क्यों रिलीज करा। जो राहुल है वो ये सोच रहा होता है दैट डज इट, नो पॉकेट मनी फॉर यू फॉर अ होल मंथ, मम्मी डिक्लेयर एंड मार्च आउट। तब उसकी मम्मी कहती है बहुत हो गया, अब तुम्हें कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगा इस पूरे महीने। राहुल न्यू दैट शी वॉज इन नो मूड टू लिसन टू एनी एक्सप्लेनेशन, ही ग्रोन्ड एंड बरीड हिज हेड इन अटर डिसअपॉइंटमेंट। हिज डिस्पेयर सून गेव अवे टू फरी, अब्दुल्ला हैड बेटर गिव अ गुड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। अब बच्चे यहाँ पर जो राहुल होता है वो काफी परेशान हो जाता है, वो डिसअपॉइंटमेंट में अपना सर पकड़कर ग्रोन करने लगता है, काफी डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट स्टिल उसका जो गुस्सा है वो फरी में डिस्पेयर हो जाता है जल्दी। तब सोचता है वो मन में अब्दुल्ला हैड बेटर अ गुड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, अब्दुल्ला के पास कोई सही रीजन होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए जो इसने ये हाल मेरे रूम का करा है। देन मास्टर यू ओनली टोल्ड मी टू कीप एवरीथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस, हाउ कुड आई नो दैट द ओरिजिनल अरेंजमेंट्स, आस्क द जीनी प्लेनेटिवली। व्हेन राहुल क्वेश्चन हिम व्हाट इज योर नेक्स्ट ऑर्डर, तो बच्चे यहाँ पर जो जीनी होता है वो ये कहता है कि मास्टर आपने बोला था कि सारी चीजों को उसके प्रॉपर प्लेस पर रखना है, पर मुझे कैसे पता होगा कि कौन सी चीज की किस चीज की ओरिजिनल अरेंजमेंट कहाँ करनी है। मतलब उसे नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ ओरिजिनल बिलोंग करती है। तो उसने बहुत प्यार से और जीनी प्लेनेटिवली पूछा, तभी राहुल ने उससे क्वेश्चन करा। व्हेन राहुल क्वेश्चन हिम सो व्हाट इज योर नेक्स्ट ऑर्डर, राहुल लॉस्ट हिज टेम्पर। तो बच्चों इसी टाइम राहुल अपना टेम्पर खो देता है। माई नेक्स्ट ऑर्डर ही शाउटेड, गेट लॉस्ट, आई डोंट नीड यू, गो बैक टू जीनी लैंड और वेयर एवर यू कैम फ्रॉम। बच्चों तभी जो जब जिन्हें अगला क्वेश्चन पूछता है कि आपका अगला ऑर्डर क्या है, तब जो राहुल होता है वो अपना बिल्कुल सहन शक्ति खो चुका होता है, वो कहता है मेरा अगला ऑर्डर ये है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम अपने जिनी लैंड वापस चले जाओ जहां से तुम आए हो। ऑलमोस्ट एट वॉन्स ही रिग्रेटेड हिज आउटबर्स्ट बट इट वॉज टू लेट, हुश जूम। अब बच्चों बिफोर हिज आईज अब्दुल्ला वैनिश, द लैम्प स्पन इन द एयर एंड डिसअपीयर फ्रॉम द साइड। बच्चों इससे पहले कि अब्दुल्ला राहुल को रिग्रेट होता, बहुत देर हो चुकी थी, तभी जो मतलब जू जूम हुआ और जो अब्दुल्ला था उसके सामने से वैनिश्ड होकर वो अपने लैंप में चला गया और लैंप स्पन होकर एयर में, यानी उड़कर हवा में डिसअपेयर हो गई। ओ नो व्हाट हैव आई डन, एक्सक्लेम राहुल स्लैपिंग हिज फोरहेड, नाउ माय मैजिक इज गोन। अब बच्चों राहुल एक्सक्लेम करता है ओ नो मैंने क्या कर दिया, अब मेरा मैजिक चला गया। देन अ फ्रेश थॉट स्ट्रक हिम, तभी बच्चों एक फ्रेश थॉट उसके माइंड में आता है, बट वॉट अ लॉट ऑफ ट्रबल आई हैव बीन हैविंग एवर सिंस आई गॉट द मैजिक लैम्प, सो ऑन सेकेंड थॉट्स मे बी इट इज बेटर दिस वे, वर्किंग फॉर थिंग्स इट्स बेटर देन विशिंग फॉर दैम। देर वॉज अ स्माइल ऑन हिज फेस एज ही गॉट अ ब्रिस्कली ही बिगेन पुटिंग हिज थिंग्स बैक इन ऑर्डर। अब बच्चों तभी वो सोचता है वैसे क्या ही फायदा, क्योंकि वैसे भी वो
ट्रबल ही कर रहा था, जो जब से उसके पास मैजिक लैंप आया था वो तो प्रॉब्लम से क्रिएट कर रहा था। तो सेकंड थॉट में उसके मन में आता है कि सारी चीजें खुद ही करना बेटर होगा, इवन उसको विश करना कि वो कोई और कर दे। सो बच्चे उसके फेस पे स्माइल आती है, वो उसी स्माइल के साथ उठता है और ब्रिस्कली बच्चे वो क्या करता है, सारे काम करना शुरू कर देता है, यानी जल्दी ही वो अपने सारे काम खुद ही शुरू करना कर देता है और सारे अरेंजमेंट्स को ठीक करने लगता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। नाउ इट्स द एंड ऑफ योर बुक, दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। अब आपको क्या करना है बच्चों, सारे चैप्टर को रिवाइज करना है, इनके क्वेश्चन आंसर्स को ट्राई आउट करने हैं, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू रिवाइज द वर्ड मीनिंग्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट्स। बाय बाय स्टूडेंट्स।